पकड़। प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा एक ऐसा ऐतिहासिक और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है जहां पर हर वर्ष लगभग लाखों की संख्या में लगभग 80 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट देशी और विदेशी आते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वहां पर जो आगरा शहर के मध्य में नेशनल हाईवे 2 निकलता है, वहां पर एक बहुत लंबे समय से उस पर एलिवेटेड रोड की मांग वहां की जनता करती आ रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिला, कई बार माननीय मंत्री जी से भी मिला, लेकिन वो एलिवेटेड रोड न बनने के कारण हर वर्ष सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें छात्र विशेष तौर से उसके शिकार होते हैं। क्योंकि वहां पर हर वर्ष जो लाखों पर्यटक आते हैं वो बड़ी बड़ी बसों से आते हैं, कारों से आते हैं, उसके कारण पूरा शहर एक दिन में 40,000 से लेकर के 60,000 तक देशी और विदेशी पर्यटक वहाँ आते हैं, जिसके कारण पूरा शहर जाम हो जाता है और उसके कारण विदेशी पर्यटक 4-4, 5-5 घंटे फंसे रहते हैं। मेरी मांग है कि आगरा शहर में एलिवेटेड रोड जो नेशनल हाईवे 2 है उस पर सिकंदरा से लेकर के झन्ना नाला तक एलिवेटेड रोड बनाया जाए और इसी के साथ साथ जो आगरा की लाइफ लाइन है MG रोड, उस पर भी एलिवेटेड रोड की मांग बहुत लंबे समय से है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शहर में जो आने वाले देशी विदेशी पर्यटक हैं वो अच्छी छवि लेकर के जाएं, नहीं तो शहर की जनता इसको भुगतना पड़ रहा है और शहर की जनता पूरी परेशान है। लंबे समय से मांग है कि एलिवेटेड रोड बनाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सभा।